उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 प्लस वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और फिलहाल तो चल रहे हैं। आप लोग अभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिएगा। और अभी मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि इसकी तैयारी कैसे करें या फिर इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक होनी चाहिए। अभी लोग चाहते होंगे कि इसमें अच्छे से सिलेक्शन ले लें और अच्छी सी इसमें जॉब लग जाए, तो मैं आपसे फाइनली इसी पर बात करूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स को यूज करनी चाहिए या फिर कौन से आप बुक्स को इस्तेमाल करोगे, कैसे आप पढ़ाई करोगे। सेकेंड पॉइंट मैं ये भी आपको बताऊंगा कि लगभग आपको कितना टारगेट लेके चलना है, कितने आपको सेफ स्कोर लेके चलने, जिससे कि आपको ये नहीं कि आप फिजिकल के सेलेक्ट हो जाओ, आप पूरा फाइनल तक सिलेक्शन ले जाओ। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको अभी लगानी चाहिए या फिर किस बुक्स के आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। देखो, आप ये अच्छी तरीके से जानते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो साल दो साल तीन साल से तैयारी कर रहे हो, या फिर जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर जो लोग अभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनसे अगर जाओगे या फिर जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे जाओगे, अगर आप बात करोगे उनसे, बस एक चीज़ पूछोगे कि भाई तुम्हारे सिलेक्शन के पीछे की वजह क्या है, तुम सिलेक्ट कैसे हो गए। बाकी लोग तैयारी करते रह जाते हैं, नहीं होता है, लेकिन जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, आप कभी उनसे जाके पूछना, आराम से पूछना, वो आपको बताएंगे। आप देखना हर एक बंदे में, जिससे भी आप पूछोगे, आप चार छः लोग से पूछना जो भी सिलेक्ट हुए होंगे, जो कहीं जॉब कर रहे होंगे, आप चार छः लोग को उठा के पूछना, आज ही जाके ट्राई करना। उन चार छः लोग में आपको हमेशा एक चीज़ सब में कॉमन मिलेगी, जो आपको सजेस्ट करेंगे, जो आपको छोटे भाई या बड़े भाई जो भी समझ कर आपको बताएंगे, एक चीज़ आपको सब में कॉमन दिखेगा, वो ये रहेगा कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा के जाना। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी पुलिस का देने जा रहे हो, दिल्ली पुलिस का देने जा रहे हो, कोई सा भी एग्जाम देने, CGL हो गया, CHSL हो गया, अब प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार लगा के जाना, सारे पेपर्स को कंप्लीट कर। बात सच नहीं हुई तो फिर आके मेरे से कहना, आप आज ही जाके पूछना, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें आपको वो बहुत आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बताएंगे, जी पढ़ लो वो पढ़ लो, पता नहीं क्या क्या बताएंगे, बट आपको एक चीज़ जरूर उनमें कॉमन दिख जाएगी, ये प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए यूपी पुलिस के, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, 2015 या 16 में जो भी एग्जाम्स हुए, उससे पहले तो मेरिट पे हुआ था। 2018-19 में मुझे एक बार 41,500 कुछ भर्ती, एक बार 49,000 के लगभग की वैकेंसी, दो वैकेंसी निकल चुकी है यूपी पुलिस में, या फिर आप UPSI की उठा लो। ये मेरे कहने का ये मतलब है, जितने भी अभी तक यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं या UPSI के पेपर हुए हैं, उनके एक बार आप पुराने सारे पेपर्स लगा लो ना, मैं कहता हूँ कि आप लाख पढ़ाई अलग है और एक प्रीवियस ईयर का पेपर अलग है, है ना। आप कितना भी मॉक टेस्ट लगा लो, कितना भी वो पढ़ाई कर लो, कितने भी क्लासेस लगा लो, वो अलग चीज़ है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाओगे तो फिर आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलता है कि भाई कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है, आपको एक तरह से एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाता है। तो प्रीवियस ईयर बेस्ट रहता है आपके लिए किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी होता है। इसी के क्रम में मैं आपके सामने किरण पब्लिकेशन की एक सॉल्व पेपर की बुक दिखा रहा हूँ, जो मतलब अभी तक ये जितने भी यूपी पुलिस में पेपर हुए हैं सारे पेपर्स का इन्होंने एक सेट ही दे दिया है, एक एक सेट, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने भी डेट में एग्जाम हुए हैं, सारे शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए, जितने भी सेट हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर के रूप में इन्होंने दे दिया है। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम इसी बुक को लो, भाई कोई सा भी बुक लो, सॉल्व पेपर लो, उसको लगाना शुरू करो, बट मैं ये आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद किरण पब्लिकेशन की बुक्स को इस्तेमाल करता हूँ। इन्होंने जो मॉड्यूल का जो रहता है पेपर देने का, या फिर उसके जो सॉल्यूशंस का सेट होता है, जिस तरीके से वो देते हैं, वो मुझे बेस्ट लगता है। आप भी एक बार करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा, और फिर आप दोबारा कोई पब्लिकेशन लोगे ही नहीं, फिर किरण ही आपको अच्छी। सॉल्व पेपर एक बार आप जरूर लगाना, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और देखो, सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप इतने सारे जो पेपर्स हुए यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में, अगर उन सबका सेट आपको एक जगह कंपाइल करके कोई देता है कुछ थोड़े से चंद पैसों में, तो आपको इससे क्या जाता है। आप एक बार सारे पैटर्न को समझ लोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लोगे, आपको एक बार एग्जाम का आइडिया हो जाएगा, फिर आपको बहुत हेल्प मिलने वाला एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस बुक को एक बार आप जरूर लगाओ। इसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस लिंक से डायरेक्ट परचेस करके लगा सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इन सब चीज़ों को लगा लोगे, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लोगे, तो आपको जरूरत पड़ता है कि भाई हम अब और क्या करें, और हमको नई नई सेट्स कैसे मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब इस तरह के जो एग्जाम अभी होने वाले हैं 11 फरवरी 18 फरवरी को एक्सपेक्टेड जो डेट है, उसमें जब एग्जाम्स होंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि मैंने प्रीवियस ईयर तो सारे लगा लिए, जो कि सबसे जरूरी थे मैंने उसको तो कर लिए, अभी मेरा क्या मकसद है कि मैं आगे मॉक टेस्ट लगाना चाहता हूँ, आगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बुक भी, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराते हैं किरण पब्लिकेशन की। ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये भी आप परचेज जरूर कर लेना। इन दोनों बुक को लगाओ, बाकी आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, जो चैनल देख रहे हो, जिस वीडियो को देख रहे हो, देखते रहो, बट ये दोनों आपकी सिलेक्शन में रामबाण साबित होने वाले हैं।
ठीक है, इस बात को आप विश्वास मान के चलो। बाकी ये तो हो गई बुक्स की बात। अगर मैं सेकेंड बात करूँ कि भाई टारगेट, टारगेट आपको स्क्रीन पे दिखा होगा 235 प्लस का टारगेट लेके चलना ही चलना है। अगर आप इससे कम सोचोगे फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि 235 का टारगेट लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपके 215, 220, 225 तो आ ही जाएंगे एट एनी हाउ। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 3 साल का रिलैक्सेशन भी मिल गया है, अब थोड़ी सी कंपटीशन और बढ़ गई। जहाँ फॉर्म आपको 20, 22, 25 लगाने वाले थे, वही फॉर्म अब आपके 30, 32 लाख तक चले जाएंगे, क्योंकि इसमें और भी कैंडिडेट अब फॉर्म भरेंगे, जैसे कि एज रिलैक्सेशन लोगों को मिल गया है। तो 235 का टारगेट आप लेके चलो, प्लस का आपको 220, 225 नंबर आराम से आ जाएंगे। बस मैंने जैसा आपको बताया, इन सब बुक्स को फॉलो करिए और जैसे पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए सिंपल तरीके से। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के नीचे है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जितने बुक्स का मैंने आपको बताया उस बुक्स को भी परचेज करना चाहते हो तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर सही लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।